हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं मोतीचूर के लड्डू बहुत ही आसान तरीके से। इसके लिए ले लिए मैंने चना दाल, इसको मैंने भिगो दिया था, एक कटोरी चना दाल थी। अब इसको पीस लेंगे बिना पानी के, छान के पीसना है इसको। पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, दरदरी पीसनी चाहिए, ज़्यादा बारीक भी नहीं पीसनी। अब मैंने ले लिया है यहाँ पर पैन में थोड़ा सा देसी घी, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा अपने मिक्सचर को, जैसे भी आपसे बने, छोटे बड़े कोई भी साइज़ के, कोई ज़रूरी नहीं है कि साइज़ के चाहिए, क्योंकि हम इसे दोबारा पीसेंगे। इसको बहुत अच्छे से हमें कुरकुरा कर लेना है, जैसे कुरकुरे भजिए बनाते हैं ना, बस उसी टाइप से हमें भजिए बनाने हैं। और ये भजिए मैंने बना लिए हैं। अब इन्हें थोड़ा सा मैं ठंडा करूँगी और इसे पीस लूँगी। तो ये मैंने पीस लिया, और बूंदी के लिए मोती हमारे तैयार हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। चलिए अब चाशनी की तैयारी करते हैं। इसके लिए ले लिए मैंने 2 कटोरी चीनी, और 1 कटोरी मैं इसमें पानी डाल दूँगी। और चाशनी हमें बनानी है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा 2 तार 3 तार की चाशनी नहीं बनानी। पहले हम चीनी को बहुत अच्छे से डिसॉल्व करेंगे। बहुत अच्छे से चीनी जब हमारी हो जाएगी, इसमें डालेंगे फूड कलर, जो लड्डुओं का कलर आता है ना, जिससे लड्डू बहुत प्यारे प्यारे लगते हैं। तो ये मेरे पास ऑरेंज कलर है, अगर आपके पास ना हो तो आप इसे टोटली स्किप कर सकते हैं। आप येलो कलर के लड्डू भी बना सकते हैं, टेस्ट में उससे कोई फ़र्क नहीं आता, बस कलर देखने में अच्छा लगता है। ये मैंने इसीलिए डाले बस। तो अब इसको मिला लेंगे। ये मेरे पास सूखा कलर था, तो मैंने करीब 1/4 चम्मच करीब लिया था। तो देखिए बॉयल आ गया। अब इसमें अपने मोती डाल देंगे जो हमने बना के रखे हैं, और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पसंद आ रही हो रेसिपी, की आज बहुत ही आसान तरीके से लड्डू घर में बनने जा रहे हैं, अपने हाथों से बनाएंगे फ्रेश, तो रेसिपी को फटाफट लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। शेयर आप करें ना करें, मुझे पता है सब अपना सीक्रेट छुपा के रखेंगे, शेयर तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि भाई ऐसी रेसिपीज़ बना के खिलाने में मज़ा आता है, सब वाह वाह ही लूटना चाहेंगे। तो ज़रूर लूटिए, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, बस मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो देखिए मैंने मोती डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। मुझे पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, और इसको हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना, वरना हम बाद में क्या होगा, चाशनी जो है वो हार्ड हो जाएगी। तो अब इसमें मेरे पास ये खरबूजे के बीज हैं, आप चाहे तो इसको टोटली स्किप कर सकते हैं, आप चाहे तो कोई और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। मैं बिल्कुल बाजार जैसा टेक्सचर बना रही हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ इसमें खरबूजे के बीज डाले हैं। तो देखिए अभी से कितने अच्छे लग रहे हैं ना। बस इस स्टेज पे हम इसको बंद कर देंगे गैस को, और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो कुछ लड्डू मैंने बना लिए हैं, चलिए आपको भी बना के दिखाती हूँ। मिक्सचर हल्का ठंडा हो गया है, और इनके लड्डू आपको जल्दी जल्दी बनाने हैं, अभी भी बहुत गर्म है ये। तो लड्डू बनाना तो सबको आता ही है, नहीं आता तो 2-3 बारी बनाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, हम सब सीख जाएंगे। आपको अगर लड्डू बनाना ना आए तो आप बर्फ़ी की तरह इसको जमा भी सकते हैं, तो आपकी बर्फ़ी तैयार हो जाएगी ये। तो देखने में लग रहे हैं ना बढ़िया से लड्डू। तो फटाफट से इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर लिए अपने दोस्तों के साथ, और इसको बना के खा के मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे बने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर लीजिए।